दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का आवाज। पीसी चीफ सचिन पायलट के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर रखा गया सामूहिक उपवास। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। कांग्रेस के उपवास पर बीजेपी का तंज। कांग्रेस देश को जातियों में बांटने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस उपवास कर जनता का कर रही है उपहास। जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर एनआरएचएम नर्सेज यूनियन ने किया प्रदर्शन। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने की नियमित करने की मांग। कहा मांगे नहीं मानने पर विधानसभा चुनावों में सरकार का करेंगे बहिष्कार। जयपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। स्पा सेंटर की आड़ में संचालित देह व्यापार का किया पर्दाफाश। पुलिस ने चार युवतियों समेत सात लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से दलितों पर अत्याचार और शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस का उपवास आज। देश भर में रखा कांग्रेस ने उपवास कार्यक्रम। दलितों पर अत्याचार के विरोध में रखा गया उपवास। 2 अप्रैल को दलितों ने किया था भारत बंद। पायलट की अगुवाई में जयपुर में भी उपवास। शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने रखा उपवास कार्यक्रम। उपवास में पार्टी के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। देश भर में कांग्रेस ने हिंसा के विरोध में उपवास रखा। राजस्थान में कांग्रेस का उपवास कई नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मंच बना और कई बार मना करने के बाद भी नारेबाजी का शोरगुल नहीं थमा। जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में शहीद स्मारक पर शुरू हुए उपवास में कई नेता किसी चुनावी रैली की तरह पहुँचे। मंच से बार बार मनाही के बावजूद नारेबाजी करते हुए पहुंचे नेताओं के समर्थकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। 2 अप्रैल को देश भर में दलित आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, उसके विरोध में शहीद स्मारक पर सामूहिक उपवास रखा गया। सामूहिक उपवास में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश, सीपी जोशी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने कहा पिछले दिनों में जो हिंसा हुई वो देश में फिर से ना हो, इसी के लिए कांग्रेस अपील कर रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर हिंसा को भड़काने का काम किया है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। राहुल गांधी जी दिल्ली में उपवास कर रहे हैं, हम लोग जयपुर में कर रहे हैं। पूरी पार्टी की एक मांग है कि जो हिंसा हुई है पिछले दिनों में वो दोबारा रिपीट ना हो। समाज में टकराव की स्थिति जो पैदा हुई है उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनकी नींद खुलनी चाहिए और नकारात्मक राजनीति को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कांग्रेस ने हमेशा अहिंसा में विश्वास रखा है, महात्मा गांधी जी के रास्ते पर हम चल रहे हैं और आज देश को संदेश देने के लिए बैठे हैं कि किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो भारत का नागरिक है, अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में हम अपनी बात रख सकते हैं। हिंसा को जो अंजाम देता है उसके हम सख्त खिलाफ है, चाहे कोई व्यक्ति भी हो। वहीं उपवास के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के नाम पर अशांति का वातावरण फैलाने के षड्यंत्र के खिलाफ यह उपवास रखा गया है। आज पूरे देश में माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जन हर राज्य में आज देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं
एक तरफ जाति और धर्म के नाम पर एक अशांति का वातावरण फैलाने का जो षड्यंत्र चालू है उसके खिलाफ, हिंसा के खिलाफ और देश की एकता और समरसता के लिए आज का ये उपवास है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर हर प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी शीर्ष नेतागण और हर जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी नेता शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगाकर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए पिंटू सिंह नरूका की रिपोर्ट। देश भर में कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय उपवास कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी ने कांग्रेस के उपवास पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश को जातियों में बांटने का काम करती आई है, साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने जब सिख समुदाय के लोगों को का नरसंहार किया था, क्यों नहीं किया उस वक्त उपवास। जिस पार्टी ने आज तक जातिवाद की राजनीति की वो आज उपवास कर जनता का उपहास कर रही है। से ये पूछना चाहिए कि वो देश में उपवास कर रही है। उपवास का तो मतलब ये होता है कि एक दिन पूरा भोजन नहीं करना। सुबह ब्रेकफास्ट उन्होंने किया होगा, अब घर जाकर के वो लंच करेंगे और ये उनका उपवास है। ये उपवास नहीं, ये उनका उपहास है देश की जनता के प्रति। 2 तारीख को जो घटना हुई उसकी सबने निंदा करी, उसकी सबने निंदा करी। 2 तारीख को जो भी घटना हुई थी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटका में 358 दलितों की हत्या हुई थी, तब राहुल गांधी जी ने उपवास रखा था? कर्नाटक में दलितों के उत्पीड़न पर राहुल गांधी ने कभी उपवास रखा? उपवास। उधर स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी ने जनक सैमुअल हैनीमैन की 263वीं जयंती मनाई गई। मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि मरीज की स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसकी बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम होम्योपैथी कर रही है। उन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट नहीं होने और कड़वी दवाई के स्थान पर मीठी गोलियों से सहज इलाज मिलने के कारण ये पैथी आमजन में तेजी से अपना विश्वास जमा रही है। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे अपनी पैथी पर विश्वास कर आमजन को रोग मुक्त करने के साथ साथ रोगों से बचने के उपाय भी बताएं। जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आज एनआरएचएम नर्सेज यूनियन ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। साल 2013 में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसको रोक दिया गया और फिर से सरकार ने नई भर्ती निकाल दी, लेकिन साल 2013 में की गई भर्तियों को पूरा नहीं किया गया, जिसके विरोध में एनआरएचएम संविदा नर्सिंग कर्मियों ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज का कहना है कि सरकार नई भर्ती पर रोक लगाए और संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। सरकार ने 2013 में एनआरएचएम नर्सिंग कर्मियों को संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 15,773 पदों पे भर्ती जारी करी थी, जो उस भर्ती को इन्होंने 11,000 पदों पे ही करके रोक दिया और ये कह के रोका गया कि इनके पास बजट की कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी वापस 2017-18 में बजट घोषणा में, चूँकि एनआरएचएम से पिछले 5 साल से इस भर्ती को पूरा करने की मांग कर रहे थे और उन्हीं की अनुशंसा पे कैबिनेट से जो पद विलोपित किए गए थे उन पदों को पुनः सर्जित किया था एनआरएचएम को नियमित करने के लिए, लेकिन एनआरएचएम नर्सेज को मंत्रियों द्वारा और सरकार द्वारा धोखे में रखकर और हमारे को 11 तारीख की मीटिंग का टाइम देकर इन्होंने 11 तारीख की मीटिंग के पहले ही विज्ञप्ति जारी कर।
पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ अपने एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। झुंझुनू में पंचायती राज मंत्री राठौड़ ने जी नगर समाज के अतिथि भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर बीजेपी के मदन लाल सैनी भी साथ रहे। पंचायती राज मंत्री राठौड़ ने कहा कि जी नगर समाज एक विकसित समाज है और उन्होंने अतिथि भवन के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया और उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं एससी एसटी समाज आरक्षण के साथ छेड़छाड़ के मामले पर मंत्री राठौड़ ने कहा कि एससी एसटी समाज पहले भी भारतीय जनता पार्टी का था और आज भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। पुरुषार्थ से भरा हुआ समाज का इतिहास है। आज शेखावाटी हृदय स्थल में इनके अतिथि गृह का लोकार्पण हुआ है। मैं और मेरे साथी इनको बधाई देने आए हैं। यह समाज हमेशा पुरुषार्थ से रहने वाला समाज है। एससी एसटी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, अभी था, अभी रहेगा। 1916 के अंदर जो संशोधन इस एक्ट में किया गया और इसके अंदर कंपनसेशन और दूसरी चीज़ों का सरलीकरण किया गया, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। लोग इसको समझते हैं, कितना ही कोशिश कर लें लोग षड्यंत्र। राजस्थान के दो निशानेबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में सीकर के ओ मिठारवाल और महिला वर्ग में राजधानी जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने कांस्य पदक जीता है। अपूर्वी के मेडल जीतने के बाद घर पर खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता सा लगा हुआ है। घर के लोग हर आने वाले का मुंह मीठा करा रहे हैं। अपूर्वी के पिता कुलदीप चंदेला ने बताया कि ओलंपिक में मेडल हासिल नहीं करने के बाद अपूर्वी ने कड़ी मेहनत की। वो दिन में 7 घंटे सिर्फ शूटिंग की प्रैक्टिस करती थी। घर में बनी शूटिंग रेंज के साथ साथ बेंगलुरु और दिल्ली में भी ट्रेनिंग ली। वहीं अपूर्वी की बड़ी बहन तेजस्वी ने बताया कि खेल में भले ही वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन उनकी टेंशन दूर करने के लिए, उन्हें चेयरअप करने के लिए बाहर घुमाने जरूर ले जाया करती थी। अपूर्वी के घर की दीवारों पर लगे मेडलों में अब एक मेडल और शामिल हो जाएगा और इस बार ये मेडल इंटरनेशनल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम का होगा। अपूर्वी को तो हर तरीके का सपोर्ट है, मुझसे, फैमिली से। उसको मतलब वो ज्यादा उसके कोई वांट्स और कोई इच्छाएं उतनी है नहीं लाइफ में। उसको ट्रैवल करना पसंद है तो मैं उसके साथ में ट्रैवल प्लान्स बनाती हूँ। और उसको, जैसे कि मेरे फादर ने बोला, उसको प्रकृति से बहुत लगाव है और जानवरों से बहुत प्यार है, तो हम उसको रहने देते हैं उसमें, उसकी शांति में और उसके उस वातावरण, ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं कि वो उसमें काम रहे, खुश रहे। अपूर्वी ने बड़ी अच्छी तैयारी करी थी। वो सुबह अपना रेगुलर मेडिटेशन, योगा करने के बाद फिर 3 घंटे शूटिंग ट्रेनिंग करती थी। दिन में रेस्ट करके और उसके बाद शाम को वापस उसकी ट्रेनिंग सेशन चालू हो जाती थी। दिन में विश्राम भी ज़रूरी होता है तो थोड़ा विश्राम कर लेती थी वो। बाकी वो प्रकृति में, अच्छे माहौल में रहना पसंद करती है तो उसी में रहती हूँ। बट मेहनत उसने दबा के करी है और उसी का रिजल्ट है कि आज वो 4 साल बाद भी उसने अपनी लय को बरकरार रखा है। और जयपुर में चोरों ने जगतपुरा शूटिंग रेंज को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां से कीमती धनुष, 2 रिक्वर्स और 3 कंपाउंड चोरी किए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। बता दें कि एक धनुष की कीमत करीब 2 से 3 लाख होती है। सुबह जब खिलाड़ी शूटिंग रेंज पहुंचे तो धनुष गायब दिला, जिसके बाद उन्हें चोरी का एहसास हुआ। प्रारंभिक तफ्तीश में मामला रैकी से जुड़ा हुआ है। चोर ने संभवतः पहले रैकी की होगी, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को शक है कि इस वारदात में किसी खिलाड़ी का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ उपखंड मुख्यालय के गडियावास गांव में फिर से उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत लोगों को हो गई है। सभी पीड़ित लोग छोटी सादड़ी सामुदायिक चिकित्सालय इलाज कराने के लिए पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि गडियावास गांव में 2 दिन पहले टंकी का प्रदूषित पानी पीने से गांव के 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। इसके बाद चिकित्सा विभाग सकते में आ गया था।
जयपुर में गर्मी के मौसम में पानी के लिए कसरत करनी पड़ सकती है। इसकी वजह है पानी की आने वाले दिनों में होने वाली कमी। हालांकि इस बीच हर बार की तरह इस बार भी विभाग का दावा है कि टैंकरों की संख्या बढ़ाकर स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जयपुर शहर की अगर बात करें तो शहर को गर्मी के मौसम में करीब 800 ml पानी की दरकार रहती है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी 530 ml पानी की सप्लाई मिल रही है। इन 530 में से 450 ml पानी बिसलपुर से मिल रहा है, जबकि 80 ml पानी प्राइवेट ट्यूबवेल के जरिए मिल रहा है। डैम से 450 ml पानी वर्तमान में दिया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 80 ml पानी यहाँ जो स्थानीय ट्यूबवेल्स हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर के लिए एवं अन्य राजस्थान के शहरों के लिए 22 करोड़ रुपए जल परिवहन के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जो आगामी 4 मंथ में अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जल परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी तरीके से 24 करोड़ मंजूर किए गए हैं जल परिवहन के लिए। जहां भी समस्या आएगी वहां जल परिवहन से पेयजल जनता को उपलब्ध। जयपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक के नीचे 2 स्कूटी भी दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल भी हो गए, जिन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पुलिस की एक टीम बजरी से भरे ट्रक का पीछा कर रही थी और बजरी से भरे ट्रक को चालक तेजी से दौड़ा रहा था। इसी दौरान गोपालपुरा बाईपास के पास स्थित वसंत विहार कॉलोनी में मोड़ पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। इस दौरान एक मकान के बाहर खड़ी 2 स्कूटी भी ट्रक के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जान हानि इस हादसे में नहीं हुई। बारा जिले के शहबाद उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समय पर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही उनके ताले खुल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों से आने वाले अध्यापक काफी परेशान रहते हैं। वहीं सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में अभी तक ताला लटका हुआ है, वहां पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अध्यापकों का कहना है कि कुछ दिनों बाद बच्चों की परीक्षाएं संचालित होंगी, इससे पहले रिकॉर्ड से संबंधित कार्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय आकर पूर्ण करवाया जा रहा है। इसके आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन आदेशों की हमारे द्वारा पालना की जा रही है। यहाँ पर भवनों पर ताले लटके हुए हैं, ऐसे में हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्व शिक्षा कार्यालय का ताला नहीं खुल पा रहा है, जिसके चलते अधिकारी वहां पहुंच नहीं रहे हैं और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में परीक्षाएं होने वाली हैं छात्रों की। हालांकि जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो काम है वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल शिक्षक परेशान है क्योंकि सर्व शिक्षा कार्यालय का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है और कार्यालय के बाहर ताला लटका हुआ है। उदयपुर के उमरडा स्थित आरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में 3 दर्जन से अधिक स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। देर रात सभी बच्चों ने हॉस्टल में ही खाना खाया था और खाने के बाद से ही कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों की तबीयत खराब हो गई। सुबह तक ज्यादा दिक्कत होने पर सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ले जाने पर 10 छात्रों को प्राथमिक उपचार के दौरान छुट्टी दे दी गई। वही बच्चों की चिंताजनक हालत को देखते हुए भर्ती कर लिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि खाने में दिक्कत के चलते सभी स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। वही पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि हॉस्टल में जो खाना खाया गया था उसके बाद छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। हालांकि कुछ छात्रों को उपचार के दौरान ही
छुट्टी दे दी गई, लेकिन जिस तरह से ये फूड पॉइजनिंग का मामला देखने को मिला है उसके बाद जो हॉस्टल प्रशासन है, इंस्टीट्यूट प्रशासन है, वो घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी छात्रों ने हॉस्टल में ही खाना खाया था। 3 दर्जन से ज्यादा छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार बताए जा रहे हैं और सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि 10 छात्रों को उपचार के दौरान छुट्टी दे दी गई। कुछ समय पहले जवाहर सर्कल स्थित मैरिज गार्डन में आग लगने से हादसा हो गया था, जिसके बाद नगर निगम ने अग्निशमक की विशेष व्यवस्था करने के इंतजाम किए गए थे। नगर निगम आयुक्त रवि जैन ने कहा कि फायर को लेकर अभी तक राजस्थान में कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, वहीं एक्ट को लेकर सरकार को भी पत्र लिखे जा चुके हैं। ये एक्ट सभी के लिए होगा, चाहे वो मैरिज हॉल हो या फिर शॉपिंग मॉल, स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, सभी के लिए ये होगा। तो अग्निशमक की व्यवस्था को लेकर निगम आयुक्त का ये बयान सामने आया है। रवि जैन ने कहा है कि अभी तक राजस्थान में कोई एक्ट नहीं बना है फायर को लेकर, हालांकि सरकार को कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी है, पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि ये जो अग्निशमक की जो व्यवस्था है वो सभी के लिए होगी, मैरिज हॉल के लिए भी होगी, हॉस्टल के लिए भी होगी, स्कूल, अस्पताल, सभी के लिए होगी। अभी नगर निगम में बायलॉज बने हुए नहीं है एफआईआर को लेकर, एक एक्ट बनाने की जरूरत है। पूरे राजस्थान में जो एक्ट एम्प्लॉय है और उसके संदर्भ में नगर निगम फिर बायलॉज तैयार करेगी। इसके बारे में भी हमने सरकार को लिखा है कि जल्दी फायर एक्ट राजस्थान का बने, जिसमें कि सारे नियम वगैरह, उपविधियाँ वगैरह हो, जिसके अनुसार सभी संस्थानों, भले वो अस्पताल हों या मैरिज गार्डन्स हों या हॉस्टल्स हों या कोचिंग सेंटर्स हों या स्कूल्स हों या शॉपिंग मॉल्स हों, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हों, क्योंकि सभी जगह की व्यवसाय अलग अलग तरीके से करना सुनिश्चित होता है। उन्होंने जो अध्ययन किए उसमें कई सारी बातें सामने आई, किस तरह से ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग होता है जिससे आग और भड़कती है, किस तरह से जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर फायर के पूरे इंतजाम नहीं होते हैं, कई बार फायर के पूरे इंतजाम होने के बावजूद वो चीज़ें वहाँ पर वर्क नहीं करते, वहाँ पर ट्रेंड ऑफिशियल्स या कर्मचारी नहीं होते जो उनको इक्विपमेंट को चला सके, उस कारण से आग लगने के बावजूद वो बुझा नहीं पाते हैं। ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और साथ ही साथ सरकार को ये लिखने के लिए भी लिखा है कि फायर एक्ट जल्द से जल्द बनाकर और इसके नियम बनाकर और हम इनको एग्जीक्यूट करवाएं। सर, इसको दोषी बताइए। अभी मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने डाली है उसके बारे में भी मैं अध्ययन करूंगा कि किस किस के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।